एरिया से उनको चेस करके आज ये तीन अफेंडर्स को अरेस्ट किया है और उनका पोजीशन से एक पिस्टल और 12 राउंड्स ऑफ एम्युनिशन से रिकवर किया और एक एक्यूज रत्नम अफगानिक है। ये केस में पूरा चार आदमी इन्वॉल्व है, एक रहीम नेल्लूर रेसिडेंट है लेकिन हैदराबाद और राजभवन में भी काम कर रहे हैं पहले, और दूसरा एक नरेश है हैदराबाद में आईबीएम के एक टी स्टॉल में आउटसोर्स टी स्टॉल में टी मेकर का काम कर रहे हैं। तीसरा एक राजेंद्र नगर में रहते हैं, और द लास्ट पर्सन रत्नम कोयलगुड़ा वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंट है। ये चारों ये केस और दूसरा और एक केस में इन्वॉल्व है, तीनों पकड़े गए हैं। हम केस के डिटेल्स को चले तो जब ये केस हुआ था बैंक सीईओ पे अटैक हुआ था, कई डाउट्स आए हैं, ये मीडिया पर भी आया था, ये रॉबरी या और डीमोनिटाइजेशन के बारे में कुछ बैंक नोट्स का एक्सचेंज के बारे में और कुछ मोटिव क्या है, ये इट वॉज ए सेंसेशनल केस। लेकिन जब हम क्राइम सीन प्रोसेसिंग किया है साइंटिफिक एविडेंस से, क्लूज टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉग स्क्वाड और दूसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम एक ओपिनियन को आए हैं, या प्योर रॉबरी केस वो एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन लेके ये पूरा 10 टीम इस पर इसमें शामिल हुआ इन्वेस्टिगेशन में। ये नज़दीक में आने वाले जाने वाले ये जो अप्रोच रूट्स हैं एंट्री एग्जिट ये घर के, उनको वो एरियाज में सीसीटीवी फुटेज देख के, सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ये जब ये कल्प्रिट ये घर को आ रहा था मोटरबाइक पर, ये जो विक्टिम्स दिया हैं ये डिटेल्स ऑफ दी एक्यूज उनका ड्रेस पैटर्न कलर जो भी आइडेंटिफिकेशन दिया है उससे मैच हुआ, ये सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ये केस डिटेक्ट हुआ है। और सीसीटीवी फुटेज में जब आइडेंटिफाई किया है उनको पकड़ने के लिए हम जब कोशिश किए थे, ये हैदराबाद से अपस्कैंड हुआ वही दिन जो दिन ये ऑफेंस हुआ, और इधर से राजमंड्री गए, राजमंड्री से खम्मम, खम्मम से तमिलनाडु, तमिलनाडु में मदुरई से केरला, ऐसे कई प्लेसेस में ये घूमा है। लेकिन हमारे टीम्स भी उधर जाके उसको चेस करके फाइनली आज उनको हम अरेस्ट किया है। ये चारों कल्प्रिट्स को आप देखें तो ये जो आदमी जो इनका घर में ये रॉबरी अटेम्प्ट किया है, फायर ओपन किया है, वो उनका नॉलेज ये वन ऑफ दी एक्यूज ये नरेश है, वो ये ड्राइवर ये सीईओ के साथ जो काम कर रहे हैं ड्राइवर उनका रिश्तेदार है, ये नरेश के साथ पहले एक दो बार उनको ड्रॉप करने के लिए नरेश को ये इसका घर को आए हैं, ऐसे ये सीईओ का एड्रेस मालूम है। और ये जो नरेश का बैंक अकाउंट ये सेम बैंक में केबीएस बैंक में है, ये नरेश और रहीम जब मनी ड्रॉ करने के लिए बैंक को चले थे उस टाइम पे मालूम हुआ कि रहीम को ये नरेश को सीईओ के बारे में मालूम है और उसका घर भी मालूम है। ये जब ये मालूम हो गया ये रहीम को एक प्लान आया माइंड में, हम रॉबरी कर सकते हैं, मेरे पास वेपन है, हम दोनों जाके ये रॉबरी करें तो ये आजकल बहुत बैंक मैनेजर्स के घर में सीबीआई रेड कर रहे हैं, इतना पैसा निकाल रहे हैं, हमको हमें भी मिलेगा, ऐसे मोटिव से ये बैंक रॉबरी ये रॉबरी ये सीईओ के घर में करने के लिए उनको घर को चले थे। लेकिन हम पहले देखे तो ये वेपन्स ये रहीम और एक आदमी रत्नम ये दोनों मिलके ये रॉबरीज करने के लिए कुछ महीने के पहले बिहार को जाके मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ये दो वेपन परचेज किया है, और दो वेपन्स के साथ 40 राउंड्स भी परचेज किया 50,000 रुपीज़ पे करके।
उसके बाद इधर आए हैं और अमीर पेट में ये रत्नम और रहीम मिलके एक रॉबरी करने के लिए भी कोशिश किया है, लेकिन वो अटेम्प्ट सक्सेस नहीं हुआ। ये ऑफेंस करने के पहले, जब रेकी करने के बाद वो जब अटेम्प्ट के लिए चले तो बहुत लोग था और उनको ऐसे लगा कि रॉबरी सक्सेस ना होगा, इसलिए वो विथड्रा हो गए। लेकिन ये जब नरेश के साथ रहीम थे एक दो दिन के लिए, उस टाइम में ये आइडिया आए और रॉबरी करने के लिए उनका घर को आए, और जब ये इमेच्योर्ड होने से ये पहले रॉबरीज नहीं किया है, पहले इनका एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए जो वेपन लेके जब घर में अंदर घुसे, जाते जाते ही उनको थ्रेटन करने के लिए एक राउंड ओपन किया है। उसके बाद घबरा के बैंक सीईओ और उनका वाइफ ये बेडरूम में चल के डोर बंद करने के लिए जब कोशिश किया है, एक राउंड फायर किया उस पर, और बैंक मैनेजर पर ये सीईओ का लेग पे इंजरी हुआ है थाइस पे, और उसके बाद वो जब बोल्ट किया है अंदर से, ये घबरा के बाहर चले गए और उधर से फरार हो गए। ये हैदराबाद सिटी पुलिस के ये 10 टीम्स ये पूरा 4 स्टेट्स में घूम घूम के इसको पकड़ के लेके आए हैं और आज अरेस्ट किया है। ये पूरा एपिसोड में हमें ये मालूम होता है कि ये अमेच्योर पहले फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं और ये रॉबरी करने के लिए आए हैं और कोई अदर मोटिव नहीं है, और इसमें 3 पकड़े गए हैं, एक रत्नम अपस्कैंडिंग है उनके पास और एक वेपन भी है, उसको अरेस्ट करके वो वेपन भी रिकवर करते हैं। ये पूरा ऑफेंडर्स को हम हैदराबाद सिटी पुलिस एक मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी हैदराबाद आके ऐसे ऑफेंसेस करे तो हम तुरंत 100% उसको पकड़ सकते हैं। ऐसे रिकॉर्ड टाइम में 48 आवर्स में ये ऑफेंडर्स को हम आइडेंटिफाई किए हैं। इसके बाद इस पर PD एक्ट भी रहेगा और ये 1 ईयर के टाइम पे वो ट्रायल भी कंप्लीट करके वो सजा दिलाने के लिए न्यायस्थान से हम ज़रूर कोशिश करेंगे। ये हमारे हैदराबाद सिटी के पब्लिक को हमारे लिए ये हमसे ये अपील है कि कोई भी आदमी, कोई भी ऑफेंडर, किसी से प्रांत भी पूरा देश पे कोई भी इधर आके ऐसे ऑफेंस करे तो हम ज़रूर पकड़ेंगे और हम ज़रूर उसको सजा दिलाएंगे न्यायस्थान से। ऐसे कॉन्फिडेंस हम पब्लिक को दे रहे हैं और हम पब्लिक के साथ रहेंगे, दिन भर काम करेंगे और पब्लिक का सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद सर। डिड दे यूज अ वेपन?